हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू गुड एंड हेल्थ वाइज ऑल्सो गुड। चलिए आज हम देखेंगे, सीखेंगे कि हम जो घर में कुर्ते पहनते हैं, चाहे वो सिल्क का हो चाहे वो किसी भी फैब्रिक में हो, ये देखिए पॉकेट के नीचे से ये कई बार ये खोता लग जाता है, हमारे उठने बैठने में कई बार ये कट लग जाते हैं। उसको कैसे रिपेयर करेंगे देखेंगे। सीजर चाहिए, हमें थ्रेड भी चाहिए सेम कलर का, और नीडल, नीडल हमारी 10 नंबर की रहेगी। देखेंगे नीडल आई के अंदर धागे को कैसे इंसर्ट करते हैं, देख लीजिए बिल्कुल ऐसे ही। ये प्रैक्टिस मांगता है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो हमें ऐसे धागा डालना आ जाएगा। ये देखिए इसकी जो धागे निकल रहे हैं, थोड़ा सा हम इन धागों को पहले साफ करेंगे, साफ करने के बाद फिर अंदर थोड़ा सा फोल्ड कर लेंगे बिल्कुल ऐसे ही। देखते रहिए, बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि कई बार कुर्ते हमारे जो होते हैं वो ऐसे ही फट जाते हैं उठने में या बैठने में या किसी चीज़ से, ज़्यादातर तो ऐसे ही होता है कि ऐसे ही फट जाते हैं। ये देखिए पहले थोड़ा हम इसे यहाँ से मजबूत कर लेते हैं एक साइड से, बिल्कुल ऐसे ही। अब हमें थोड़ा सा ये फोल्ड करना होगा ताकि आगे के जो ये धागे हैं ये अंदर चले जाएं, बिल्कुल उन धागों को हम दिखाएंगे नहीं ऊपर बिल्कुल भी, या तो हम कैंची से काट सकते थे या फिर अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। हमने अंदर फोल्ड कर दिया है, यस। देखिए फिर से देखिए कि नीडल आई के अंदर थ्रेड को कैसे इंसर्ट करते हैं, ये ट्रिक है, सीख लीजिए बिल्कुल ऐसे ही। हमारे घर में कई तरह के फैब्रिक होते हैं, कट जाते हैं फट जाते हैं, समझ नहीं आता कि क्या करें, फिर पास में देखना पड़ता है कि कौन सी शॉप है, कहाँ इसे रिपेयर कराएं, फिर पता चलता है कि ड्राईक्लीन की दुकान पे रफू होता है वहीं से करा लेते हैं। लेकिन अगर ये थोड़ा बहुत हमें आ जाएगा, हम सीख जाएंगे इसे देख कर, तो ये चीज़ हम घर पर भी कर सकते हैं बिल्कुल ऐसे। देखिए कितना आसान है, लेकिन जब कपड़ा फट जाता है कट जाता है तो अजीब सा लगता है कि अब इसका क्या होगा, बड़ा नुकसान हो गया, लेकिन ज़्यादा नुकसान नहीं होता है। ये देखिए अगर हमें इसे करना, इसे रिपेयर करना आता है तब कोई मुश्किल नहीं है, देखकर सीखा जा सकता है। देखिए बिल्कुल ऐसे ही करना है। यस, इसे धागे को थोड़ा कपड़े को मिला लेंगे और हल्की सी थोड़ी सी बुनाई करते हुए हमें चलना है। हमें जो हमारा थ्रेड है इसे ऊपर कम दिखाना है और नीचे यानी अंदर की तरफ हमें ज्यादा इसको लेना है। ऊपर जितने धागे कम दिखेंगे उतने ही ये हमारा कम नजर आएगा कि यहाँ से कोई देखकर कह नहीं सकता कि यहाँ से कटा हुआ था या फटा हुआ था बिल्कुल। देखिए हम जितनी बारीक बुनाई करेंगे हमारे लिए उतना ही बढ़िया होगा, मतलब हमारे कपड़े के लिए बढ़िया होगा बिल्कुल। ज्यादा मेहनत नहीं लगती है, लेकिन मेहनत तो लगती है सीखने के बाद हम कर सकते हैं बिल्कुल। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए, ऑल पे कर दीजिएगा, ताकि इसी तरह के वीडियो आपको बराबर मिलते रहें और पहले मिलते रहें। हमारे घर में जितने भी तरह के फैब्रिक होते हैं, चाहे वो
कॉटन के हों, सिल्क के हों, नाइलॉन के हों, किसी भी चीज़ के एक्सक्यूज़ मी, तो कट जाते हैं तो हम उसको कैसे रिपेयर कर सकते हैं, यही चीज़ हम इस चैनल पे दिखाते हैं। आप देखिए, आप सीखेंगे और अपनी ज़िंदगी बदलेंगे। और वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे। बिल्कुल, फिर से देखेंगे ट्रिक। यस, बिल्कुल ऐसे ही, कितना आसानी से धागा डल जाता है निडलाई के अंदर इस ट्रिक का इस्तेमाल करते हुए। बिल्कुल देखेंगे, लगभग हमारा 70% हो गया है। बारीक बुनाई हमें करते हुए आखिर तक जाना होगा, पता नहीं चलेगा। और जब ये बन जाएगा पूरा, तब आखिर में हम चाहें तो थोड़ा सा इसके ऊपर जो हम रफू बनाएंगे, इसके थोड़ा सा पानी लगाकर इस पे हल्की से प्रेस करेंगे, यस, ताकि जो ऊपर उठा हुआ है ये बुनाई, ये लेवल में आ जाए, दब जाए तो पता नहीं चलता। बिल्कुल ऐसे ही, लगभग होने ही वाला है। ये सिल्क का कुर्ता है, कुर्ते बहुत अच्छे होते हैं, गर्मियों में तो खासकर ज्यादा भारी कपड़े पहने भी नहीं जाते। बिल्कुल देख लीजिए, लगभग होने ही वाला है। रफू करना एक आर्ट है, आप इसे सीख सकते हैं घर पर, हमें देखना होगा। बिल्कुल देख लीजिए, यह हमारा लगभग हो गया है, थोड़ा सा रह रहा है, ये भी होने ही वाला है, देख लीजिए। देखिए, ये हमारा काम लगभग हो गया है। आप देखिएगा कि जो हम रफू कर रहे हैं इस सीक्वेंस में कर रहे हैं, एक सार, कोई ज्यादा आगे या पीछे नहीं जा रहा है। हमारा थ्रेड हमारा बनकर तैयार हो गया है, ये कुर्ता। पीछे जो कपड़ा एक्स्ट्रा है हम इसे काट लेंगे ताकि फिनिशिंग आ जाए, ज्यादा बुरा नहीं लगे। ये देखिए, हमने पीछे से इसे साफ कर दिया है। अब देखिए, आपको बिल्कुल भी ऐसा नजर नहीं आएगा, और जब इस पर थोड़ी सी प्रेस कर लेंगे तो बिल्कुल भी नजर नहीं आएगा। चलिए, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपना ख्याल रखिए।